हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज का सपोर्ट। एंड दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप लोगों का उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है एंड सपोर्ट मिला है दोस्तों, तो उसके लिए थैंक यू। एंड मेरे काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि ऐसी वीडियो BN एप्लीकेशन से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पर भी आप वीडियो बनाइए। आज मैं आपको BN एप्लीकेशन में कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच वीडियो बना करके दिखाऊंगा। एंड वीडियो में यूज़ होने वाला सारा मटेरियल आपको मेरी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आपको अगर कुछ भी मुझसे जानकारी लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल वाले आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड दोस्तों, मैं आपको एक चैनल दिखाने वाला हूं जो कि 2 महीने में ही एकदम ग्रो हो गया है ऐसा कंटेंट क्रिएट करके। तो यहां पर हम लोग सर्च कर लेंगे अकेला इंसान, एंड ये वाला पहला इनका चैनल आ रहा है, इसको ओपन कर लेंगे। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 33 वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं 80,000 से भी ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं, और कितने समय में वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अबाउट में आ जाएंगे एंड नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2023, मतलब कि मेरा चैनल क्रिएट होने से सिर्फ 2 दिन पहले ये चैनल बना है। इनका चैनल इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो गया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड दोस्तों, आपको किस तरीके से अपनी वीडियो अपलोड करनी है एंड क्या सेटिंग्स करनी है एंड थंबनेल कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, सेम इनकी जैसे सेटिंग्स करना आपको सिखा दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये एक इंडिया का चैनल है दोस्तों, एंड 2 महीने पहले ही चैनल क्रिएट किया गया है। एंड दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी वीडियो की। एंड आप दोस्तों देख सकते हैं कि 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की गई है, उस पर 1.1 लाख व्यूज़ यहां पर आ चुके हैं दोस्तों, मतलब कि ये वीडियो इनकी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। एंड दोस्तों, यहां पर पॉपुलर पर हम लोग आ जाते हैं। एंड दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 18 लाख, 15 लाख, 6.2 लाख, दोस्तों लाखों में व्यूज़ आते हैं ऐसे कंटेंट पर दोस्तों। एंड दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी कंटेंट की, कैसा कंटेंट ये क्रिएट करते हैं। तो हम लोग वापस से लेटेस्ट में आ जाएंगे एंड एक वीडियो को ओपन कर लेंगे जो कि 20 घंटे पहले अपलोड की गई है। आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। एंड आपने यहाँ पर कंटेंट देख लिया किस तरीके कंटेंट ये क्रिएट करते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पीछे एक वीडियो प्ले हो रही है, इस वीडियो को मोशन वीडियो बोलते हैं, जो कि अपने वीडियो में यूज़ करते हैं। एंड दोस्तों, वॉइस ओवर करके एक कंटेंट क्रिएट करते हैं। एंड अब मैं आपको इनके चैनल का अर्निंग प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ऊपर की तरफ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक पर क्लिक करके इनके लिंक को कॉपी कर लेंगे। अब अपने क्रोम ब्राउज़र में आएंगे एंड यहाँ पर सोशल ब्लेड को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सोशल ब्लेड। एंड दोस्तों, हमारी वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर बीच में दोस्तों हमें जो लिंक कॉपी किया था वहाँ पेस्ट करना है, तो इसको सर्च करेंगे। एंड सर्च करने के बाद हमारा चैनल आ चुका है, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, ये रहा वो चैनल। एंड आपने चैनल का नाम देख लिया यहाँ पर अकेला इंसान। अब नीचे की तरफ आप आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों आप इनकी अर्निंग देखिए, 1.5K से लेकर 23.8K तक ये अर्न करते हैं दोस्तों, मतलब कि $1,500 कम से कम ये अर्न करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा $23,800 तक डॉलर अर्न करते हैं। अब दोस्तों, मिनिमम इनका $2,000 भी हम लोग अगर लेके चलते तो $2,000 इंडियन रुपये में कितना होता वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग न्यू टैब पर सर्च करेंगे USD to INR। एंड यहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग 2,000 कर देंगे। एंड यहाँ पर हमारा अमाउंट आ चुका है, आप देख सकते हैं $2,000 का इंडियन रुपये में 1,63,815 रुपये अभी की डेट में होता है। एंड दोस्तों, अब आपने अर्निंग प्रूफ देख लिया एंड कंटेंट देख लिया, अब आप भी ऐसा कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बस दोस्तों, शर्त ये है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना। एंड दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप वीडियो क्रिएट करेंगे ना आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा एंड ना ही कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा। वीडियो बनाने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कृष्णा जी की क्वेट्स है, जो कि उसमें बोला जा रहा है, जो कि स्पीच उसमें बोली जा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको कहाँ से लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप 2 जगह से वो स्पीच को ले सकते हैं एंड क्वेट्स को ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर सर्च करेंगे कृष्णा क्वेट्स इन हिंदी। एंड इसको आप सर्च कर लेना है आपको। एंड दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, आपको किसी को भी ओपन कर लेना है एंड डाउनलोड कर लेना है। एंड आपको इस एप्लीकेशन में बहुत सारे क्वेट्स मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए। अब दोस्तों, ये तो हो गया एक मेथड, अब दूसरा मेथड क्या है जहाँ से हम लोग क्वेट्स लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड अब हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों, सेकेंड मेथड जो है
आपको कोर्ट्स गूगल पर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्ट्स मिल जाएंगे, नए नए कोर्ट्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर सर्च करेंगे वही चीज़ जो हम लोगों ने प्ले स्टोर पर सर्च करी थी, कृष्णा कोर्ट्स इन हिंदी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी दोस्तों जो कि ऐसे कोर्ट्स अपलोड करती हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जैसे मैंने तीसरी वेबसाइट को ओपन कर लिया है यहाँ पर। एंड दोस्तों यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्ट्स लिखे हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है और यहाँ फ़ोटो में आप देख सकते हैं, फ़ोटो वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लिखे हुए भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी कोर्सों को आपको 8-10 कोर्सों को ले लेना है एंड अपनी डायरी में यहाँ पर लिख लेना है। एंड दोस्तों मैं डायरी इसलिए आपको मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप वॉइस ओवर करेंगे आपको अपनी डायरी को सामने रख लेना है। एंड दोस्तों आपको अपनी डायरी को देखते हुए वॉइस ओवर करनी है, पढ़ते हुए वॉइस ओवर करनी है, तो आपकी वॉइस ओवर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। एंड दोस्तों बैकग्राउंड में एक वीडियो प्ले हो रही थी, उसको मोशन वीडियो बोलते हैं। तो दोस्तों मोशन वीडियो आपको कॉपीराइट फ्री कहाँ से मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने यूट्यूब पर आ जाना है एंड दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है मोशन वीडियो कॉपीराइट फ्री। एंड दोस्तों इतना लिख करके आपको सर्च कर लेना है तो यहाँ पर आपके सामने मोशन वीडियो आ जाती है। यहाँ पर एक आपको अकाउंट मिल जाएगा, इस पर आपको मोशन वीडियो काफ़ी सारी मिल जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड इस वीडियो से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियो आपके सामने आ जाएंगी जो कि पॉपुलर वीडियो होंगी। दोस्तों इन वीडियोज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों आपको इन वीडियो कैसे लेना है मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, मेरे वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको इन वीडियो को यहाँ से ले लेना है एंड वीडियो लेने के बाद दोस्तों लास्ट काम आपके पास बच जाता है कृष्ण जी की जो फ़ोटो है वो। तो आपको कृष्ण जी की फ़ोटो कहाँ से लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस एप्लीकेशन का नाम है इमेज सर्च मैन। एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर दोस्तों हम लोग सर्च करेंगे कृष्णा इमेज PNG। एंड दोस्तों हमें PNG इमेज ही चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी PNG इमेज हमारे सामने आ चुके हैं कृष्ण जी की, आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप इमेज डाउनलोड करो उस इमेज को आपको सबसे पहले गौर से देख लेना है, उसमें किसी भी कंपनी का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है, कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। एंड दोस्तों अब हमें यहाँ से बैक आ जाना है। एंड दोस्तों हमारे पास सारा मटेरियल आ चुका है, अब दोस्तों हम लोगों को एडिटिंग करनी है। दोस्तों मैं तो काइन मास्टर से एडिट करता हूँ मगर आज मैं दोस्तों आपको BN एप्लीकेशन से वीडियो को एडिट करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे BN एप्लीकेशन से एडिट करके ऐसे वीडियो को दिखाइए। एक्चुअली दोस्तों वीडियो को एडिट करते हैं तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो क्लिक करेंगे एंड दोस्तों इसको स्किप कर देंगे ऊपर की तरफ से एंड यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये बटन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है प्लस के बटन पे। एंड यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है ऊपर की तरफ एंड यहाँ से सबसे पहले दोस्तों आपको मोशंस वीडियो अपनी लेनी है। तो मैंने यहाँ पर दो मोशंस वीडियो लेकर के रखी है तो यहाँ पर मैं दोनों वीडियो को अपने ले लेता हूँ। यहाँ पर आप एरो पर क्लिक करेंगे हमारी मोशंस वीडियो यहाँ पर आ जाती है, ये देखिए आप मोशंस वीडियो हमारी आ गई। अब दोस्तों आपको लास्ट में आना है एंड लास्ट में आने के बाद दोस्तों आपको एक छोटी सी यहाँ पर एक वीडियो मिलती है, क्लिप मिलती है जो कि BN की तरफ से है। एक बार आपको इस पर क्लिक करना है एंड नीचे की तरफ आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगी एंड आपको अब वीडियो की शुरुआत में आ जाना है। अब दोस्तों जो हमारी मोशन वीडियो है उसमें आवाज़ रहेगी, आपको उस आवाज़ को म्यूट करना है। तो यहाँ पर एक आपको स्पीकर जैसा ऑप्शन मिल जाता है नीचे की तरफ, इस पर क्लिक करना है एंड इसकी आवाज़ को आपको 100% से ज़ीरो कर देना है। एंड दोस्तों इसी तरीके से आपको अपनी सेकंड मोशन वीडियो में भी कर लेना है, स्पीकर पर जाएंगे इसको ज़ीरो कर देंगे एंड इसको राइट क्लिक कर लेंगे। अब आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी कृष्ण जी की फ़ोटो को ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर से तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर वीडियो पिक्चर पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोटो लेना है। तो फ़ोटो लेने के लिए आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ पर आ जाना है एंड दोस्तों अपनी कृष्ण जी वाली फ़ोटो को ले लेना है एंड फ़ोटो खींच करके यहाँ से बड़ा कर लेंगे। इसको बड़ा करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इसको सेट करेंगे, आपको दोस्तों इस तरीके से सेट करना है पिक्चर को अपनी ताकि ये पूरी आपकी बॉसरी भी ना कटे, फेस भी एकदम क्लियर दिखे एंड बीच की वीडियो भी आपकी सही आ जाए। अब दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन मिलता है आपको, इसको खींच करके आपको पूरी वीडियो में कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी वीडियो में अप्लाई हो चुका है।
अब दोस्तों यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे ये डुप्लीकेट बन जाती है। तो यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेट वाली लेयर को साइड में ले लेंगे। एंड नीचे की तरफ दोस्तों आपको एक मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपोजिट साइड में हमारी आ जाती है पिक्चर। तो इसको इस तरीके से सेट करेंगे, जैसी आपकी राइट साइड वाली पिक्चर है उसी हिसाब से आपको लेफ्ट साइड वाली पिक्चर को भी करना है। वीडियो आपको दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एंड आपको एक पिक्चर को क्लिक करना है एंड ऑप्शंस में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लेंडिंग का, ये रहा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों स्क्रीन का, आपको देख लेना है कहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा स्क्रीन का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। एंड नीचे की तरफ आपको राइट क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आपको अपनी राइट साइड वाली फ़ोटो पर भी क्लिक करना है एंड ब्लेंडिंग को क्लिक करना है। एंड यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। एंड हमारी दोनों पिक्चर पर स्क्रीन वाला इफेक्ट लग चुका है। एंड वीडियो की शुरुआत में आ जाएंगे। एंड अगर आपकी पिक्चर भी आगे पीछे हो रही है तो इसको लेयर को खींच करके आप इसको आगे कर सकते हैं, तो ये सेट हो जाती है। एंड आपको दोस्तों अपने बैकग्राउंड में कृष्ण जी का कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ करना है, जिससे कि आपकी वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग मीडिया में आ जाएंगे एंड दोस्तों हमारा कृष्ण जी वाली वीडियो को ले लेंगे, तो ये कॉपीराइट फ्री है। एंड दोस्तों ये वाला म्यूज़िक आपको मेरी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो हमारी आ चुकी है, ऑप्शंस में नीचे की तरफ दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑडियो एक्सट्रैक्ट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ होगा, इसको ऊपर ले लेते हैं, ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड इस वीडियो के ऑडियो को आपको निकाल लेना है एंड वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है वापस से, ये रही, इसको डिलीट कर देना दोस्तों। डिलीट का ऑप्शन पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों अब हमारे पास ऑडियो आ चुका है जो कि कॉपीराइट फ्री है दोस्तों। एंड इस पर क्लिक करेंगे, स्पीकर पर आएंगे एंड इसकी वॉल्यूम को दोस्तों 35% हम लोग कर देंगे। एंड दोस्तों इसको राइट क्लिक कर देंगे एंड आपको यहाँ पर एक बीच में कृष्ण जी की फ़ोटो और चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों वापस से आप चले जाएंगे मीडिया में, वीडियो में चले जाएंगे, वीडियो एंड पिक्चर में। एंड दोस्तों यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे एंड हमारी कृष्ण जी वाली फ़ोटो को यहाँ पर ले लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे खींच करके इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ बीच में इसको यूज़ करना है एंड इसकी लेयर को फुल कर लेंगे फुल साइज़ में, ठीक है। आपको लेयर को सभी को बढ़ा लेना है ताकि जहाँ तक हमारी वीडियो रहे वहाँ तक हमारी लेयर चलती रहे। अब मैं आपको दोस्तों वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड हमारी वीडियो ऑलमोस्ट बन चुकी है, अब सिर्फ पीछे चक्र लगाना बाकी है। उससे पहले दोस्तों हम लोग वॉइस ओवर करेंगे, तो वॉइस ओवर दोस्तों आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने दोस्तों एक डायरी मेंटेन करने के लिए बोला था, उसमें आपको क्वेश्चन लिख लेने हैं एंड दोस्तों आपको उस डायरी को सामने रख लेना है एंड दोस्तों आपको उस क्वेश्चन को एक एक करके दोस्तों पढ़ना है। एंड यहाँ पर म्यूज़िक पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पर एक रेड वाला आपको बटन मिल जाता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर लेते हो आपकी रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग इस तरीके से करनी है ताकि ऑडियंस आपकी वीडियो को आगे तक देखे। एंड आपको अपनी रिकॉर्डिंग पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि जब तक आपकी वॉइस ओवर अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी वीडियो कोई वॉच नहीं करेगा, कोई आगे तक नहीं देखेगा। एंड दोस्तों अगर आपकी वीडियो शुरुआत से ही आपकी वीडियो को छोड़कर जाने लगती है तो दोस्तों आपकी वीडियो का इंप्रेशन कम हो जाता है एंड दोस्तों आपकी वीडियो आगे तक नहीं जा पाती है। वॉइस ओवर करते समय बाहर की आवाज़ें आती है, नॉइजेज आती है, उसको दोस्तों आप रिमूव कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हो कि आप अपनी वॉइस ओवर को कैसे क्लियर करें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक वॉइस ओवर करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया वॉइस ओवर, एंड मेरी वॉइस ओवर यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। राइट क्लिक कर लेंगे एंड मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी बनी मेरी वॉइस ओवर। समय हमेशा चलता रहता है, यदि आज पूरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद दे। एंड दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट बन चुकी है। अब दोस्तों सिर्फ हमें यहाँ पर कृष्ण जी के पीछे एक गोल चक्र लगाना है, जिससे कि हमारी वीडियो और भी सुंदर दिखने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग आ जाएंगे वीडियो की शुरुआत में एंड तीसरे नंबर पर मीडिया पर आ जाएंगे दोस्तों एंड वीडियो एंड पिक्चर पर आ जाएंगे
एंड यहाँ से ये चक्र वाला वीडियो हम लोग ले लेते हैं। एंड दोस्तों अब नीचे ऑप्शंस में आपको आ जाना है एंड आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा का, यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ पर ये रहा क्रोमा का ऑप्शन दोस्तों, इसको आपको क्लिक करना है। एंड हमें दोस्तों ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है तो हमें ग्रीन कलर पर क्लिक करना होगा, ये रहा। तो हमने ग्रीन कलर को यहाँ पर सेलेक्ट किया एंड राइट क्लिक करके ग्रीन कलर को हटा दिया। अब इसको इस तरीके से रखेंगे, अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब दोस्तों जो हमारी वीडियो की लेयर है उसको 3 सेकंड तक क्लिक करके रखेंगे एंड हमारे कृष्ण जी की फ़ोटो के नीचे इसको छोड़ देंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये पीछे चला जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर लेंगे सही से पीछे की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा सेट हो चुका है। अब एक बार और मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसी लगेगी हमारी वीडियो। समय हमेशा चलता रहता है, यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसीलिए आप बिना किसी शॉर्ट। एंड आपने देखा दोस्तों हमारी वीडियो कम्प्लीटली बन चुकी है, बहुत ही सुंदर। अब दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करना है एंड हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड आपको दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए टाइटल कैसे लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है एंड टैक्स कैसे लगाने हैं, सभी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिंपली उस वीडियो को वॉच करके सीख सकते हैं। एंड ऐसी वीडियो के लिए आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को वॉच करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट।